हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंटिन्यू करने वाले हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कॉइल, जिसे हम सोलेनोइड भी कहते हैं। एक कंडक्टिंग वायर ले लो, जिसे आप एक सिंपल वर्ड में एक स्प्रिंग का शेप दे दो, एक स्प्रिंग का शेप दे दो जिसका डायमीटर जो है लेस देन द लेंथ हो, उसे हम लोग सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग वायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, यू कैन से सिंपल वर्ड में। ठीक है, अब अगर हम इस वायर से अगर हम लोग करंट पास करें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, और हम लोग देखेंगे आगे कि ये जो सोलेनोइड है वो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जब करंट इससे पास होता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, वो निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। एक बोर्ड ले लो आप, ठीक है, एक बोर्ड ले लो, ठीक है, और इस बोर्ड में दो स्लिट कर दो। मान लो यहां पे मैंने एक स्लिट किया है, ठीक है, ओपनिंग मतलब यहां से काट दो और एक स्लिट कर दो, ये दो स्लिट कर दिया, और जो हमारा वायर था उसे हम इसके अराउंड, ठीक है, मतलब नीचे से आ रहा है सपोज, ऐसे ऐसे करके फिर इसको स्प्रिंग की तरह इसको हम लोग घुमा देते हैं। ठीक है, समझिए ये है ऐसे करके और ठीक है, ये आपका कंडक्टिंग वायर था, ये स्लिट के अराउंड इसे हमने घुमाया है। ठीक है, तो ये जो है वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम सोलेनोइड कहेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि आयरन फिलिंग्स होते हैं छोटे छोटे, उनको स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, उनको स्प्रिंकल कर देंगे। ये जो वायर है इसे हम लोग ऑफकोर्स एक सोर्स दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि रियोस्टैट अटैच कर देंगे, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हो, वो मैं नहीं बना रहा हूं, रियोस्टैट करते हैं ताकि हम लोग करंट को चेंज कर सके। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और यहां से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा। अब जब आप इस कार्डबोर्ड को हल्के से टैप करिएगा, तो मैं पहले इस को रब कर दे रहा हूं, तो ये आयरन फिलिंग्स जो है ना वो अपने आप को अरेंज करेंगी, और अरेंज इस तरह करेंगी, देखिएगा ध्यान से, इस तरह अपने आप को अरेंज करेंगे, इस तरह आप देखो कि तो सर्कुलर आपको दिखता होगा। ठीक है, इस तरह अपने आप को अरेंज करेंगे, और जो इन दो स्लिट यानी कि इनसाइड द सोलेनोइड जो स्पेस है वहां पे देखेंगे हम लोग कि जो आयरन फिलिंग्स है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट पैरेलल अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एम आई क्लियर? इट्स लाइक दे अरेंज द आयरन फिलिंग्स अरेंज लाइक दिस। ओके, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यही मेरा स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब इस फील्ड का अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को यहां पे प्लेस करेंगे, और जहां पे नॉर्थ पोल मेरा पॉइंट करेगा वही मेरा डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये जो सोलेनोइड है,
जब इसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस हो गया, और ये जो है सोलेनोइड, ये जो हमारा सोलेनोइड है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इट विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। और क्योंकि मैंने बोला है कि बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा, इसका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अब वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया था, याद करिए एससी सुप्रीम कोर्ट, अगर क्योंकि ये जो हर एक पार्ट है स्प्रिंग का वो सर्कुलर है, वो क्या है, सर्कुलर है, राइट टू अंडरस्टैंड। तो हमने देखा था एससी, मैंने बोला था आपको सुप्रीम कोर्ट कि भैया क्लॉकवाइज अगर करंट होगा तो साउथ पोल इंड्यूस होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो आपका नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, वहां पे नॉर्थ पोल वहां पे हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना आप, ध्यान से एवरीबॉडी, ठीक है। मैं इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है यहां पे बनाता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। अब अगर मैं इधर आ जाऊं, अगर मैं इधर आ जाऊं, इधर से सपोज मैं पी पे आ जाता हूं, मैं पी पे आ जाता हूं, और इधर से मैं इस वायर को देखूंगा, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ध्यान से ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान से देखो, ये अंदर ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे एन नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा मेरा, मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा, ये मेरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, क्यू पे आ जाओ, क्यू पे आप यहां पे आ जाओ, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज ना, यानी कि यहां पे मेरा साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो क्योंकि हर एक पोर्शन जो है वो मेरा एक सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करेगा भाई, है कि नहीं। तो यहां पे नॉर्थ पोल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है एग्जाम में देता है ऐसे, आपको सोलेनोइड दे देगा, करंट का डायरेक्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा पोल यहां पे बना है, कौन सा पोल यहां पे बना है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट से बोलना होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल देखो, तभी तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, देखो मैंने डायरेक्शन मार्क किया है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यहां पे आ रहा है, निकलता है नॉर्थ पोल से, बा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट होता है साउथ पोल में, वही है यहां पे। एम आई क्लियर? सो दिस सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बा मैग्नेट, ठीक है। तो क्योंकि ये बा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये बा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। पहला, इस एक्सपेरिमेंट से क्या हमें मिला कि भैया विद इन द सोलेनोइड, द सोलेनोइड के अंदर, विद इन द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड्स आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रादर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर देयर, ये सुनो, ये तो हो गया। दूसरा इस एक्सपेरिमेंट से हम ये भी देखेंगे, हमारे पास रियोस्टैट है, हम करंट के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अगर हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर, मतलब आप सिंपल कह रहे हो कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, रादर द स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस,
If you increase the current, if you increase the current, we'll see that what happens, the line becomes more denser. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया है, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है. Am I clear? चलिए, और ये भी हम लोग देखेंगे कि भैया अगर अगर इस स्प्रिंग के अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो, क्या डाल दो, सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर कुछ नहीं, आयरन ही है ये, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है और ये इजिली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है. सिंपल, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, आयरन ही है, ये इजिली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है. तो अगर इसके अंदर हम ये सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, एक और तरीका है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न. बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन इंक्रीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड, जो कि हमारा बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. और जो देखो, क्योंकि यहां पे नॉर्थ पोल बन गया, यहां पे साउथ पोल बन गया. Am I clear? तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर सोलेनोइड ले हम लोग, तो हम लोग उसे उसका नॉर्थ पोल कैसे निकालेंगे, उसका साउथ पोल कैसे निकालेंगे. याद रखिएगा, इस जगह पे आप खड़े हो जाइए, इमेजिन कीजिए इसको यहां पे ले आइए, इस सोलेनोइड को यहां पे ले आओ, इमेजिन करो ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर उधर चले जाओ, इसको फिर बाहर निकालो, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है. Am I clear? तो यही था, यू नो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कॉइल या सोलेनोइड. अब सिमिलैरिटी देख लेते हैं, क्योंकि ये सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह है, तो क्या सिमिलैरिटी होगा बार मैग्नेट और इस सोलेनोइड में व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट, और क्या डिसिमिलैरिटी है वो भी देख लेते हैं. चल, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देख लेते हैं बिटवीन सोलेनोइड एंड अ बार मैग्नेट. अच्छा, उससे पहले एक चीज देख लो आप, एक चीज मैं बोलना भूल गया कि अगर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में ये स्लिट था हमारा, यहां से हम लोगों ने हमारा सोलेनोइड बनाया था, करंट पास कर रहे थे, याद है. अब यहां पे हम लोगों ने देखा था नॉर्थ पोल बना था, यहां पे साउथ पोल बना था, ये सुनो. अगर इसको यहां निकाल दो तो करंट का डायरेक्शन जो है, आप यहां पे हो, ठीक है, आप यहां पे हो, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, ठीक है. तो अगर मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप करंट का डायरेक्शन क्या है, ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, इफ वी रिवर्स द डिरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी चेंज जाएगा, यहां पे नॉर्थ हो जाएगा, यहां पे साउथ हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा. Am I clear? चल, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है. चल, अच्छा, सिमिलैरिटी देख लेते हैं बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड. पहला तो है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं आर सिमिलर इन बोथ द केसेस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर. अगर एक सोलेनोइड को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो तो बार मैग्नेट की तरह वो भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, ठीक है, ओके. तीसरा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सिमिलर टू बार मैग्नेट, सोलेनोइड का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, अगर आप आयरन फिलिंग्स उसके सामने लाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये सिमिलैरिटी हो गया हमारा, ठीक है. डिसिमिलैरिटी जिसे हम कहते हैं, पहला कि आप सोलेनोइड के स्ट्रेंथ, मतलब जो मैग्नेट ये बन रहा है जब करंट पास कर रहे, तो जो मैग्नेट बन रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट फॉर्म ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है, कैन बी चेंज, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज
बार मैग्नेट के स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके स्ट्रेंथ को बाय इंक्रीजिंग द करंट आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो बाय डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनोइड व्हिच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट. ठीक है, ये तो हो गया एक. ठीक है, चल दूसरा. सोलेनोइड में आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पोलैरिटी चेंज कर सकते हो. कैसे? बाय जस्ट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. बट बार मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते आप. तो ये है हमारा सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बिटवीन बार मैग्नेट एंड सिलिंड्रिकल कॉइल कैरिंग करंट विच वी कॉल इट सोलेनोइड. चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले पोर्शंस को देखेंगे. टिल देन टेक केयर, बी सेफ. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.